नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। एक महीने के भीतर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ओक ओवर पहुंची एनटीटी को मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। अग्निपथ पर अधिकारियों ने दी संपूर्ण जानकारी। 24 जून से शुरू होंगे पंजीकरण। महिलाओं को भी मिलेगा देश सेवा का मौका। दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत में महिला की मौत। 10 वर्ष के बच्चे समेत 9 घायल। मंडी पुलिस की एसआईयू टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। पंजाब रोडवेज की बस में सवार व्यक्ति से पकड़ा चिट्टा। अडानी केस पर हाई कोर्ट जाएगी सरकार। सिंगल बेंच से 280 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम लौटाने के आदेश। प्रदेश भर में आयोजित हुई डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। कोरोना नियमों का भी रखा गया ध्यान। स्कूलों में चल रही 3 छात्रवृत्ति योजनाएं होंगी बंद। शिक्षा विभाग ने न्यू स्कॉलरशिप स्कीम में मर्ज करने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक महिलाएं आज सीएम से मिली और अपनी मांगे रखी। इस दौरान अध्यापिकाओं ने एनटीटी के पद भरने के लिए आग्रह किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के डिप्लोमा धारक सैकड़ों महिलाएं आज मुख्यमंत्री के निवास ओक ओवर पहुंच गई। बेरोजगार इन अध्यापिकाओं का कहना है कि स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया है। करीब 25 से 30 सालों से सरकार द्वारा एनटीटी के पदों को नहीं भरा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अध्यापिकाओं की मांगों को सुना और उसी समय शिक्षा सचिव डॉ. रजनीश को फोन करके इस मामले को जल्द कैबिनेट में लाने को कहा, ताकि जुलाई महीने में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सीएम ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर एनसीटीई से मान्यता पर एक साल के डिप्लोमे के आधार पर भर्तियां की जाएं। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में जारी है। इसी बीच रविवार को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए योजना पर संपूर्ण जानकारी दी है। इसमें तीनों सेनाओं में होने वाली भर्तियों के प्रारूप पर प्रकाश डाला गया है। एयरफोर्स में 24 जून को अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं नेवी में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की भर्ती की जा रही है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि योजना का विरोध करने के दौरान आगजनी व तोड़फोड़ करने वाले युवक भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कैसे होगी ये भर्तियां और युवाओं को क्या मिलेगा लाभ, जानिए इस खबर के माध्यम से। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि एयरफोर्स 24 जून को अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया 24 जुलाई को शुरू होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में शामिल किया जाएगा। नौसेना अधिकारी वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को प्रशिक्षण संस्थानों में रिपोर्ट करने लगेगा। योजना के तहत पुरुष एवं महिला दोनों की भर्ती की जा रही है। थलसेना के लेफ्टिनेंट जनरल वंशी पोनप्पा ने कहा कि आर्मी सोमवार को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करेगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पूरे भारत में होंगी। सेना अग्निपथ योजना के तहत करीब 40,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए 83 रैलियां आयोजित करेगी। देश की सेवा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। अग्निवीर भी नियमित सैनिकों के बराबर ही सुविधाएं पाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की नींव अनुशासन है। आगजनी तोड़फोड़ करने वालों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। अग्निवीर बनने के लिए वीर करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार एक प्रमाण पत्र देगा कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था। पुलिस सत्यापन 100% होगा और उसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकेगा। हिमाचल में हादसे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को ऊना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें दो कारों में जबरदस्त टक्कर होने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्ची समेत 9 सवार घायल हुए हैं। विस्तार से देखिए ये खबर।
जिला मुख्यालय ऊना से करीब 10 किलोमीटर दूर त्यूड़ी में दो कारों में हुई आमने सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में दोनों कार में सवार 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से 10 वर्षीय बच्ची व उसकी माता को गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतक महिला की पहचान उषा देवी पत्नी यशपाल शर्मा निवासी रायसेरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, 9 वर इंजर्ड एंड 1 वाज ब्रॉट डेड। ब्रॉट डेड को नेम इज उषा देवी, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, एंड अमंग द इंजर्ड आरती देवी 1 एंड आराध्य शर्मा 2, these are too critical. They are being referred to PGI. Rest we have given treatment. 2 were found to be dislocated at hip and they have been treated by our doctor, orthopedician. Rest we are doing the best. प्रदेश पुलिस नशा माफिया पर लगातार शिकंजा कसे हुए है। आए दिन नशे के सौदागरों को पुलिस सलाखों के पीछे डाल रही है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को एक बड़ी कामयाबी मंडी पुलिस की SIU टीम के हाथ लगी है। टीम ने पंजाब रोडवेज की बस में सवार व्यक्ति से चिट्टा बरामद किया है। देखें पुलिस ने आखिर कैसे दबोचा ये आरोपी। मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने नेशनल हाईवे 21 पर पूंग में यातायात चेकिंग के दौरान एक 29 वर्षीय युवक से 23.6 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम सुंदरनगर में नेशनल हाईवे 21 पर पूंग यातायात चेकिंग पर मौजूद थी। इसी दौरान सलापड़ की तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें एक सवार से 23.6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। TMT+ वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अडानी केस में सरकार हाई कोर्ट जाएगी। किन्नौर में प्रस्तावित 800 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी बिजली प्रोजेक्ट को लेकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एक फैसला आया है। इसमें राज्य सरकार को अडानी के 280 करोड़ लौटाने का आदेश दिया गया है। किन्नौर में प्रस्तावित 800 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी बिजली प्रोजेक्ट के मामले में हिमाचल सरकार फिर से हाई कोर्ट जा रही है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लेकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एक फैसला आया है। इसमें राज्य सरकार को अडानी के 280 करोड़ लौटाने का आदेश दिया गया है। ये पैसा इस बिजली प्रोजेक्ट की अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर ब्रेकल कॉरपोरेशन ने जमा करवाया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने शर्तें पूरी ना होने पर जब्त कर लिया था। पैसा अडानी ने लगाया था, जबकि राज्य सरकार के साथ हो रही बातचीत या एग्रीमेंट में कहीं भी अडानी कागज या रिकॉर्ड पर नहीं है। वहीं अडानी ने पूर्व कैबिनेट के उसी फैसले के आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें फैसला उनके पक्ष में आ गया है। प्रदेश भर में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश के 125 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 20,381 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित की गई ये परीक्षा। अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक घंटे पहले पहुंचने के निर्देश थे। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा गया। देखें प्रदेश में कहां कैसे हुआ परीक्षा का आयोजन। प्रदेश में पहली बार डाइट की निगरानी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा हुई। परीक्षा प्रदेश के 125 केंद्रों पर हुई। प्रवेश परीक्षा के लिए सोलन से 9, ऊना में 8, सिरमौर में 15, शिमला में 10, मंडी में 24, लाहौल स्पीति में 3, कुल्लू में 6, किन्नौर में 1, कांगड़ा में 16, हमीरपुर में 10, चंबा में 12 और बिलासपुर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाहनी में डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 160 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 147 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 13 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वारघाट के लिए कुल 120 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। 120 में से कुल 110 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन किया गया तथा परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की गई। प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली। आज हमारे विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटानी में डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एचपी बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित किया गया और ये बड़े सामान्य तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसका संचालन किया। और इसमें कुल 160 विद्यार्थी जो थे सेंटर में, उन्हें ये सेंटर अलॉट किया गया था, किंतु 13 बच्चे एबसेंट रहे और 147 बच्चे यहाँ प्रेजेंट हुए। और बेहतरीन सुविधा जो स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध था और इसको हमारे विद्यालय द्वारा बहुत ही सफल तरीके से जो है वो आयोजित किया गया। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के स्कूलों में चल रही 3 छात्रवृत्ति योजनाएं बंद होंगी। इन योजनाओं को नई स्कॉलरशिप स्कीम में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इन छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रही स्कॉलरशिप स्कीम को बंद कर उन्हें नई योजनाओं में मर्ज करने का फैसला लिया गया है। यानी प्रदेश में चल रही 3 पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम बंद होगी। इनमें कन्या उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना, निर्धारता छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति योजना बंद की जाएगी। इन्हें अब नई योजना IRDP छात्रवृत्ति और सशस्त्र सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम में मर्ज किया जाएगा। इस सत्र में छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलेंगी। इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन स्कूलों में भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बंद किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने बजट भाषण में पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम को नई स्कॉलरशिप स्कीम में मर्ज करने को कहा था। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। शिमला के ठियोग में खाई में गिरा टिप्पर, चालक की मौके पर मौत। चंबा भरमौर NH पर राहगीर से 502 ग्राम चरस बरामद, आरोपी हवालात में बंद। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना से स्वस्थ होगा बचपन, प्रदेश बनेगा कुपोषण मुक्त, राज्य सरकार खर्च करेगी 65 करोड़। राजधानी के जुब्बल में देवदार के पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, वन विभाग को 3,55,000 रुपए का नुकसान। तो लीजिए आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।